हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे सामने आ गया असली पेपर। कैसा असली पेपर को रियल पेपर आ चुका है, जो आप लोग देख सकते हो, कक्षा 11वीं का है, विषय इंग्लिश का। ठीक, जो आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर मुझे स्कूल से एक जन ने फोटो खींच के भेजी है, तो मैंने सोचा आप लोगों की थोड़ा बहुत मदद करा दी जाए, थोड़ा बहुत आपके नंबर भी आ जाए, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। तो ये कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर है, जो आपका सितंबर में होने वाला है। चलिए, तो देख सकते हो आप लोग, तो पहले आ रहेगी आप लोग सामने आंसर पेजेज, जो आप लोग देख सकते हो, सेक्शन ए में रहेगी आपकी आंसर पेजेज, जिसमें आप लोग सामने 10 नंबर आंसर पेजेज आएगी, यानी 5वां नंबर में होने वाली आंसर पेजेज। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस पेजेज को आप लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। पर पढ़ने के बाद आप लोग सामने जस्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग सामने इसी में से छांट के लिखना है। तो आप लोग सामने से आप लोग देख सकते हो, किसी प्रकार की आंसर पेजेज आ जाए, आपको इस बात छांटना काफ़ी ज़्यादा सरल होती है। आंसर पेजेज रटने की नहीं होती, ओनली समझने की होती है। ठीक, तो चलिए हम इसमें समझाएंगे आप लोग किस प्रकार से समझेंगे। जैसे कि पहला लगा आप सामने, योगा टीचर अस द ऑफ द लाइफ फ्रॉम, आपको देखना है यहीं पे योगा टीचर कहाँ पे लिखा है। जहाँ पे आपको योगा टीचर मिल जाएगा भाई, आप लोग लाइफ फ्रॉम कर देंगे। जैसे यहीं पे लगा, देखो टीचर यू है, देखो ये हाँ टीचर एस फ्रॉम एंड ऑफ द लाइफ फ्रॉम द योगा, देखो टीचर एस द यूनिटी, क्या यूनिटी, ठीक यूनिटी, देखो मिल गया यहीं पर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं यूनिटी है, हाँ तो देखो ये यूनिटी है, तो आपका इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ढूंढना पड़ता है। तो पहले आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहली या दूसरी लाइन मिल जाता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी या तीसरी लाइन, मतलब लाइन बाई लाइन मिल जाता है। ठीक, आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं, आप लोग ढूंढेंगे तो अच्छे तरह से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम आपको इस प्रकार से ढूंढना है, चलिए हम आपको ढूंढ के नहीं, अब मैं आंसर आंसर बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को रोक कर ढूंढ भी सकते हो। चलिए, बी है, बी नंबर है ब्राइट ए सिमिलर मीनिंग ऑफ द डिजाइन, तो इसमें आपको डेथ लिख देना, किस पर आ जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा डेथ। सी वाला है सर जगदीश सिंह बोस अगस्ट, तो इसमें हो जाएगा एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, तीसरा वाला सही है। डी नंबर है द स्पेक्चर ऑफ बी इंक्लूडेज, तो इसमें हो जाएगा तीसरा वाला एवरी लिविंग इथ अर्थ, ठीक तीसरा वाला आंसर सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा ई नंबर का, जिसमें लगा है डी नंबर का, ई नंबर का भार्ट इज द एंट्रो ऑफ द इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस का हो जाएगा ह्यूमिनिटी, ठीक है, ह्यूमिनिटी, ठीक ह्यूमिनिटी, ये आपका सही आंसर है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट वो, नेक्स्ट आलू सामने आप एफ वाला, एफ वाले में देखते हैं, एफ वाले में लिखा है विच न्यू पावर हैज बीन डिस्कवर्ड ऑफ द मॉडर्न मैन, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर इकोलॉजी योगा, ठीक तीसरा नंबर है। एच नंबर लिखा है इकोलॉजी टीचर एज द इंटरनेट ऑफ ऑल द लाइफ, तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रू, मतलब सही हो जाएगा, ट्रू पहले लगा देंगे अच्छे ने। फिर लगाया गेप द वर्ड है, तो इसमें आप लोग सामने कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको आप लोग लिख देना क्या, पहले लिखोगे आप लोग पार्लेंस, क्या लिखोगे पार एल ए एन सी पार्लेंस, और फिर इसका हो जाओगे इस वाले का लोग दोगे आप भक्ति योगा, के लोगे भक्ति योगा, ठीक इस प्रकार से कर देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप सामने जो जो देख सकते हो आप लोग नोट मेकिंग है, क्या है नोट मेकिंग, ठीक तो नोट मेकिंग में आप लोग सभी लोग जानते हैं टाइटल लिखाई जाती है और हमें नोट्स ढूंढने पड़ते हैं, तो इसमें टाइटल क्या है, तो हमेशा आप लोग जाने एक ट्रिक बता दूँ, टाइटल हमेशा पहली या दूसरी लाइन में मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये नीम के ऊपर दिए गए, तो आप ये को आपको सभी जगह नीम ही नीम दिखेगा, ठीक, और मान लो और किसी पर दी गई है, जैसे इंडिया पे दी है तो इंडिया इंडिया, मतलब जिसके बारे में दी गई सबसे बड़ी टाइटल है। तो मान लीजिए जैसे एनसीपीसी किसके ऊपर दी गई है, तो एनसीपीसी दी गई है अनलिमिटेड पावर ऑफ द सक्सेस, सक्सेस के ऊपर दी गई है, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखो, जैसे यहीं पर मिल गया बिल्कुल सक्सेस, जी मिल गया सक्सेस, तो आप लोग हमेशा यही देख रहे हैं, हमने बोला ना पहली या दूसरी लाइन आपको हमेशा मिल जाती है, ये सक्सेस भी अधिक है, तो इसका टाइटल सक्सेस हो जाएगा। नोट की बात करते हैं, तो नोट हमेशा आपको बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, एक दशमलव एक डाल के, एक दशमलव एक डाल के इतना लिख लेंगे, फिर एक दशमलव दो डाल के इतना लिख लेंगे, मतलब मोस्ट लिख लीजिए भाई आपके नोट से। तो इस प्रकार से आप लोग कम से कम 5, 6, 7, 8 नोट्स बना लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग 4 नंबर में हैं, तो अगर आप लोग इस ट्रैक का उपयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप लोग सामने यहाँ पर एक दी गई है, क्या सेक्शन बी में आप लोग सामने नोटिस, ठीक सब बताऊँ आप लोग सामने एक नोटिस रहेगा, और फिर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर आंसर पेज वो आवेदन पत्र भी, तो मैं सब कुछ बता नहीं पड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 समय, 3 समय आप लोग सामने यहाँ पर है कि ज्वाइनिंग एज हैज़ टू बी द टूर, तो अगर आप लोग जैसे हॉस्पिटल टूर के लिए जा रहे हो तो आप लोग किस प्रकार से इसमें एप्लीकेशन देंगे, तो वो आपको यहाँ पर करना है, ठीक। चौथे वाले में लगा है एडिटर न्यूज़पेपर, ठीक, तो एक आपको एडिटर न्यूज़पेपर के लिए लिखना है। पाँच में लिखा है आप लोग हेल्प द मेज द ऑफ द 40 से 50 वर्ड लिखना है, ठीक। तो आप लोग सामने चौथे वाले में जैसे मैंने बताया था, चौथे वाले आपको क्या लिखना है, एक वो लिखना था आपको कि ब्राइट लेटर एडर न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर आपको छापना था, ठीक, एडर न्यूज़पेपर में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लीमेंट योर कॉल लोकेटली, ठीक। तो
तो इस प्रकार से एक न्यूज़पेपर में आपको छपवाना था पेज का, ठीक। तो पाँचवें का लिखते हैं, तो पाँचवें की बात करते हैं, तो पाँचवें आप लोग सामने ये था जिसमें पाँचवें में लिखा कोचिंग करना बस। इसके बाद टूरिस्ट बस टू लूट है, इनका आपको लिखना है। इन पेज मतलब जो चार दिए गए इनमें से आप लोग चार कितने, हाँ चार हैं, छः हैं, इन छः में से आपको 40 से 50 वर्ड लिखने हैं, ठीक। जैसे कि बी इस पर लिख सकते हो, इस पर लिख सकते हो, किसी एक पर आपको लिखना है। चलिए अगला आप लोग सामने सेक्शन सी जिसमें आप लोग सामने दिए हैं ग्रामर। चलिए हम ग्रामर कम्प्लीट करते हैं। जैसे पहला लगा आप लोग सामने मिस्टर शर्मा इज ए होनेस्ट, होनेस्ट मैंने हमेशा एन आएगा, ठीक, क्या आएगा एन, तो हम एन भर देंगे, ठीक, ए एन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा वाला जिसमें लिखा है डिड यू रीड बुक बुक टूडे, तो इसमें एन ही आ जाए, ठीक। टी लगा आई हैव नॉट सीन हर मार्च, इसमें आएगा एस आई एन सी साइंस, ठीक। चौथा लिखे चौथी में लिखा आप लोग सामने आई एम यूज टू इन क्यून, तो चौथी में हो जाएगा वेटिंग, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग। पाँचवें पाँचवें नितिन जम्प एट द रिवर, तो पाँचवें का लिखे इन टू, रिवर है तो इन टू करेंगे। फिर आप लोग माई हैन हैज टू एक्स, तो इसमें लगे लेड, एल ए आई डी लेड, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैंने डुएज डायरेक्ट बता दिए, बहुत सॉरी फिल इन द ब्लैंक कर दिए। अब आते हैं आप लोग सामने डुएज डायरेक्ट जो पाँच में लिखना दिए, तो यहाँ पर छः लिखा, आपको कोई पाँच ही करना जो बन जाए आप वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए लिख रहे हो, पहला लिखा है आप लोग रीता टीचर इंग्लिश, तो यहाँ पर हमको चेंज करना काम करना हमको नेगेटिव में करना है, तो नेगेटिव में करना है तो आप लोग रीता डज नॉट टीच, तो यहाँ पर आपको डज नॉट जोड़ देना, रीता के बाद क्या जोड़ देना है, रीता के बाद डज नॉट, बाकी वही सेम टू सेम उतार देना, ठीक। दूसरा लगा ही प्ले बैक, इसमें हमको चेंज ऑफ वॉइस है, तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना इसको, कोई डिटेल नहीं, अगर कहीं पे आपके स्कूल में नकल हो तो आप लोग एक दूसरे से पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेक्शन डी, सेक्शन डी में आप लोग सामने है टेक्स्ट बुक, ठीक। एक आज टेक्स्ट बुक से लिए गई है, तो इसको भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप लोग सामने क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है, तो चलिए हम इसके आंसर दे दें। तो पहले का हो जाएगा, तो पहले जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया उस पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहां पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहां पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj, जैसे ही आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे साफ-साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म थर्मासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहां पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहां पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहां पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा मध्य प्रदेश बोर्ड थर्मासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहां से आपको थर्मासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहां पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहां पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहां पे दिए गए, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहां पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूं, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहां पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूं, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहां पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया यहां पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहां पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है, तो यहां से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहां पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहां पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहां पे आप थर्मासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, इस प्रकार से जो टाइम टेबल रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहां पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहां पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहां पे पेपर है, ठीक है, सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहां पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं थर्मासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहां पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहां पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहां पे फोटो हो जाएगा आप लोग सामने, डी ऑप्शन सही ऑल ऑफ द दिस। दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने फेल्स, ठीक, फेल्स। तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने सी वाला हो जाएगा, तीसरे हो जाएगा सेक्लूशन, तीसरे हो जाएगा सेक्लूशन कहाँ पर लगा है। चलिए मैडम इसको हम छोड़ देते हैं, तीसरे वाले का, तीसरे वाले थोड़ी थी, तीसरे वाले स्थान में हमको खाली स्थान नहीं गया, तो खाली स्थान हम भरेंगे ए सी सी एल यू एस आई ओ सेल्यूशन भर देना है। चौथा वाला, चौथे वाले का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पाँचवें वाले में, तो पाँचवें वाले हम लोग लिखेंगे अपसेट, इसके यहाँ हैप्पीनेस का लिखेंगे हम लोग अपसेट, ठीक, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको इसी प्रकार से जो पढ़नी है, जो आप लोग सामने एक पोइम दी गई है, ठीक, जिसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आप लोग सामने क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देखना है। चलिए तो हम कुछ आंसर आंसर बता देता हूँ। तो जैसे पहला लगा है तो पहला है भाट दज द पोर्ट फील दें, तो आप लोग क्या लोग फील पेन द, ऐसे लोग आलू फे पेन फील के बाद लिखना, आपको फील फील के बाद लिखेंगे
में लिखेंगे पेन एंड पेन एंड नोस्टैल्जिक इन दिस पहले जुड़ेंगे ए जुड़ देंगे ठीक तो ये बीच में लिख देना है। चलिए अगले एग्जाम में दूसरा ही हर इन द तो इसमें आ जाएगा पोस्ट पोस्ट आ जाएगा पोर्ट मदर क्या आ जाएगा पोर्ट मदर सी ऑप्शन सही है। चलिए तीस वाले हैं वर्ड इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बिहारी तो इसमें आ जाएगा तीसरे का हो जाएगा डिस्पेलेटेड क्या हो जाएगा डिस्पेलेटेड बी वाला सही है। चलिए अगला आपके सामने नौवां क्वेश्चन जिसमें आप लोग देख सकते हो नौवें में आपके सामने एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ सामने क्वेश्चन भी दिए गए हैं इनके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो नौवीं की बता दें हम लोग तो पहले में हो जाएगा आपका पहले में हो जाएगा एंड्रू मैनसन ठीक हो जाएगा एंड्रू मैनसन लगे कहाँ लिखा एक मिनट इसमें आप लोग पहले में लिखोगे हाँ पहले में लिखना होगा एंड्रू मैनसन ठीक एंड्रू मैनसन तो इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए अगला आपके सामने आप दूसरा वाला जिस प्रकार हु इज सुसान मतलब सुसान कौन है तो सुसान के लिए हुए आप लोग सी वाला जिसमें हो जाएगा मोरगन वाइफ ठीक मोरगन वाइफ बी डी टी से लगा स्टेन वांटेड द अवार्ड तीसरे लोगों के आप लोग किले गुरु तीसरे लोगों के क्लोरोफॉर्म के लोगे सी एच एल ओ आर ओ एफ ओ आर एम ठीक क्लोरोफॉर्म फैलो सामने चौथा वाला जो बीच वर्ड इन दैट एक्स्ट्रा दस वाला फ्लू तो इसमें होगा पर पी यू आर एस यू जी डी पर ठीक इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैं पूरे कंप्लीट करा दिए फिर आप लोग सामने क्वेश्चन तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना तो देखो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग देख सकते हो तो आशा करता हूँ आप लोग सामने पेपर पूरा समझ आ चुका होगा फिर भी आप लोगों के लिए कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं वो हम इसके बाद ले आने वाले आपको नेक्स्ट पेपर का आएगा कमेंट बॉक्स में बताएं और नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जितने लोग यहाँ तक देखें सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ ताकि आप लोग जो आने वाले पेपर का सब कुछ मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।